हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द फिल्मी रूम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीवी जगत की जाने माने शो महिमा सनीदेव की रोल अदा करने वाले दयाशंकर पांडे उर्फ इंस्पेक्टर चालू पांडे के फिल्मी करियर और रोचक तथ्य के बारे में, जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, दयाशंकर पांडे उर्फ इंस्पेक्टर चालू पांडे एक अभिनेता है। उनका जन्म 19 नवंबर 1965 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। वे सभी टीवी तारक मेहता के सामने के चश्मों में पर्यवेक्षक को चालू करते हैं और उनके चरित्र के लिए जाने जाते हैं। दयाशंकर पांडे ने खिचड़ी, सारा भाई वर्चेस, सारा भाई और अन्य जैसे सीरियल में काम किया है। दयाशंकर पांडे ने कलर बेज और रक्तांचल जैसी वेब सीरीज में काम किया है। दया ने टीवी धारावाहिक महिमा सनीदेव की देवों के देव महादेव, सूर्य पुत्र कर्ण और अन्य में अभिनय किया है। और आपको बता दें, उन्होंने शॉर्ट आउट एट लोखंडवाला, गंगाजल, हसीना पार्कर, क्वीन ऑफ मुंबई, सत्य में जयते 2 और अधिक जैसी फिल्मों में भी काम किया है। दयाशंकर पांडे के रोचक तथ्य की बात करें तो दयाशंकर पांडे को सब टीवी के शो तारक मेहता के ऑनसाइड चश्मा में पर्यवेक्षक चालू करने के लिए पांडे की पहचान के लिए जाना जाता है। इंस्पेक्टर चालू पांडे का वास्तविक नाम दयाशंकर पांडे है। दयाशंकर पांडे ने अपने करियर की शुरुआत तब की जब वो बीकॉम कर रहे थे। दयाशंकर पांडे ने इंडस्ट्री को 25 साल से ज़्यादा का समय दिया। दयाशंकर पांडे ने अमिताभ बच्चन को आदर्श मानते हैं। दयाशंकर पांडे की पहली मूवी फर्स्ट स्मोकिंग थी, जो 1993 में रिलीज हुई थी। दयाशंकर पांडे ने हिंदी, मराठी, नेपाली और गुजराती जैसे भाषाओं में काम किया है। दयाशंकर पांडे का पहला टीवी सीरियल तहो की कात, जो वर्ष 1994 में रिलीज हुई थी। दयाशंकर पांडे ने दुनिया रंगीन, शुभ मंगल, सावधान, वीरा, महिमा सनीदेव की और देवों के देव महादेव में भी काम किया है। दयाशंकर पांडे को 2011 ईस्वी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने का मौका मिला। तो दोस्तों, दयाशंकर पांडे उर्फ इंस्पेक्टर चालू पांडे का कौन सा किरदार आपको ज़्यादा पसंद आई हो, नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें शेयर जरूर करें।